तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने पेटीएम अकाउंट से अपना हेल्थ आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो गाइज इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना पेटीएम अकाउंट ओपन करना होगा। अगर गाइज आपके पास पेटीएम अकाउंट नहीं है, आपको क्या करना है, पेटीएम ऐप का लिंक में गाइज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको पेटीएम ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको अपना अकाउंट बनाना है, बहुत सिंपल है, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, आपका अकाउंट जो है बन जाएगा। ठीक, पेटीएम अकाउंट बनाने के बाद आप जैसे ही पेटीएम अकाउंट को ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। ध्यान से देखना गाइस, जो मैं बताऊंगा बिल्कुल आपको सेम स्तर से करना है, तभी आप अपना हेल्थ आईडी कार्ड बना सकते हैं। ठीक, क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना पेटीएम अकाउंट ओपन करना होगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर लास्ट एंड पर आना है, देख सकते हैं गाइस यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेटीएम हेल्थ। जी हाँ, ध्यान से देखना क्या करना है, आपको लास्ट एंड पे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेटीएम हेल्थ। इसके साथ में गाइज आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट हेल्थ आईडी, इस पर क्लिक करना है। क्रिएट हेल्थ आईडी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्रिएट न्यू आबा पे क्लिक करना है। तो गाइज उसके बाद बता रहा है आधार वेरिफिकेशन, यहाँ पर बता रहा है आधार नंबर, यहाँ पर गाइज आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो गाइज कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर लगाना है। ये ओटीपी किस मोबाइल नंबर पे जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, वही ओटीपी आपको यहां पर लगाना है। देख सकते हैं गाइज यहां पर मुझे ओटीपी आया 825823। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो गाइज वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बता रहे हैं मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, यहाँ पर गाइज आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइज इसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर लगाना है, उसके बाद वेरीफाई। तो गाइज जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे आपका आभा कार्ड जो है बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका नाम या आपके आधार से सारा कुछ डिटेल लेगा, आपका नाम, फोटो, QR कोड, आभा नंबर। यहाँ पर बता रहे हैं ऐड मेंबर्स, यहाँ पर आप किसी और को भी ऐड कर सकते हैं। अब गाइज जो मेन चीज़ है, अब आपको अपना आभा कार्ड डाउनलोड करना है, आपको राइट साइड आना है, यहाँ पर गाइज आपको डाउनलोड का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देख सकते हैं गाइज आभा कार्ड सेव्ड इन गैलरी, आपको ओके पे क्लिक करना है। अब गाइज आपको अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में जाना है। ठीक, तो गाइज जैसे मैं गैलरी में गया यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा आभा कार्ड जो है यहाँ पर सेव हो गया है। ठीक, तो गाइज अब आपको क्या करना है, अब गाइज आपको किसी कंप्यूटर शॉप पे जाना है, इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद आपको गाइज इसको अपने पास रखना है, उसके बाद गाइज आपको ये बहुत काम आएगा। इसके बेनिफिट्स मैंने आपको इस पहले वीडियो में ही बता दिए। तो गाइज इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी के साथ सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर अपना हेल्थ आईडी कार्ड बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी कमाल की लगी होगी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि गाइज ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको रोज़ इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।